OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज करना होगा प्रॉफिटेबल? क्या फिल्म में प्रभास का होगा कैमियो? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूँ ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 3 के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए है गुड न्यूज। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। डायरेक्टर प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्म KGF की आंधी ने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। जब से लोगों ने KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में इसके अगले पार्ट की झलक देखी है, तब से ही फैंस KGF चैप्टर 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो जानने को बेताब है कि आखिर कब उनके रॉकी भाई बड़े पर्दे पर वापस लौटेंगे। फिलहाल फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी फिल्म सलार की शूटिंग में बिजी है, जिसमें बाहुबली फेम प्रभास मेन लीड में नजर आएंगे। तो जैसे ही वो इस फिल्म की शूटिंग खत्म करेंगे, उसके जस्ट बाद वो KGF 3 पर काम करना शुरू करेंगे। पिछले कुछ दिनों से KGF को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज सुनने में आ रही है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इस बार फिल्म में प्रभास की भी एंट्री हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि प्रभास और यश एक साथ ग्रीन शेयर करते हुए नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में प्रभास कैमियो करते नजर आएंगे, जिसमें वो रॉकी भाई की मदद करते दिखेंगे। दरअसल KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील इन दिनों अपनी फिल्म सलार की शूटिंग में बिजी है, जिसमें प्रभास मेन लीड की भूमिका में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 2023 में रिलीज की जाएगी, जिसके बाद ही KGF 3 पर काम शुरू होगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि डायरेक्टर प्रशांत नील इन दोनों फिल्मों को मिलाकर एक मल्टीवर्स तैयार करना चाहते हैं। अभी तो ये ही बताया जा रहा है कि KGF में प्रभास का एक छोटा सा रोल होने वाला है। हालांकि अभी तक इसे लेकर मेकर्स की तरफ से किसी भी तरह के ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन अगर रॉकी भाई और प्रभास का ये मिलन होता है तो जरूर फैंस इसे काफी पसंद करेंगे। चलिए अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पर कि क्या OTT प्लेटफॉर्म पर भी KGF बवाल मचाने वाली है। तो पहली बात करते हैं KGF 2 की। इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर 27 मई को रिलीज किया गया था, जिसके बाद फिल्म ने सारी OTT मूवीज को पीछे छोड़कर टॉप लिस्ट में अपना नाम शुमार कर लिया था। अगर आपको याद दिला दे तो KGF 2 के साथ साथ टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म हीरोपंती 2 और जॉन स्टारर अटैक भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी, लेकिन इस रेस में सबसे आगे हमारे रॉकी भाई निकल गए। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब KGF के चैप्टर 3 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा तो ये एक बार फिर से सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर देगी। और इस फिल्म से ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि ये फिल्म OTT पर जरूर रिलीज की जाएगी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप KGF 3 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।